दोस्तों, क्या आपका मोबाइल फोन भी मेरी तरह सस्ता वाला है एंड इसमें वाइड एंगल कैमरा तक भी सपोर्ट नहीं करता और आप चाहते हो कि आप अपने फोटोज एंड वीडियोस को 360 एंगल में शूट करो? जैसे कि दोस्तों, ये फोटोज एंड वीडियोस शो हो रहे हैं डिस्प्ले पे, ये फोटोज एंड वीडियोस को मैंने इस मोबाइल फोन से शूट एंड एडिट किया है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी फोटोज एंड वीडियोस कुछ इस टाइप की 360 डिग्री में शूट होए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं इस मोबाइल फोन से शूट किए हुए। सो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थ्री सिक्सटी फोटो एंड वीडियोग्राफी के लिए आपको गूगल स्ट्रीट व्यू नाम के ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को ओपन कर लेना है एंड आपको बॉटम में कैमरा का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना है। फिर फोटो स्पीयर पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें अच्छे से सारी फोटोज़ को क्लिक करना है एंड 360 व्यू में कन्वर्ट करना है। तो चले गाइस, अब मैं यहाँ पर पाली पर चढ़ जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर टेरेस पर हूँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप खुले एरिया में जाके शूट करो, जिससे 360 फोटोज एंड वीडियोस बहुत ही अच्छे आए। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप मॉडल की या फिर किसी अपने खुद की फोटो क्लिक करो, ऑब्वियसली यार आप अपनी या फिर किसी अपने दोस्त की फोटो क्लिक करोगे। तो गाइस, मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहता हूँ कि आप मॉडल को थोड़ा सा दूर रखो एंड वहां से क्लिक करो, एक फ्रेम में मॉडल आ जाना चाहिए। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर मैं फोटोज क्लिक करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस, ये जो डॉट है इसे हमें सेंटर में लाना है एंड यहाँ पे अपने फोटोज क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पर हमें पूरा एरिया कवर कर लेना है 360 एंगल, यानी कि पूरा का पूरा जितना भी एरिया आपके आजू बाजू है, सभी जगह का एरिया हमें कवर कर लेना है। तो ये जो सर्कल एंड डॉट है उसे हमें मैचअप कर लेना है, अपने आप फोटोज क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना जितना आपको सजेशन देता है वो सारे फोटोज क्लिक कर लो, अपने आप ये एडजस्ट करके आपको पूरी 360 फोटो आपको बना के दे देगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सभी फोटोज को क्लिक कर लिया है एंड यहाँ पे ग्रीन मार्क आ गया है। अब हमें ग्रीन टिक मार्क पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। करीबन 1.5-2 मिनट का प्रोसेस है। तो अगर दोस्तों आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे पता है यार आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से जाके इस वीडियो को एक लाइक कर दो। सो चलिए दोस्तों, अभी हमने जो फोटो खींचा उस फोटो का फाइनल फुटेज रिजल्ट बता देता हूँ। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे, बहुत ही क्रिएटिव एंड अमेजिंग फोटो आया है। अगर दोस्तों आपके पास कोई महंगा वाला डिवाइस है, वन प्लस या आईफोन जैसा, उसमें अगर आप फोटोज क्लिक करते हो तो बहुत ही क्रिएटिव एंड बहुत ही फुल HD रिजल्ट मिलेगा। सो चलिए गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस इमेज को आप फोटो में या फिर वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि इंस्टा 360 एंड GoPro जैसे कैमरे है वो क्लिक करते हैं, वैसे टाइप के फोटोज एंड वीडियोस को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए आपको थीटा प्लस नाम की ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस ऐप को ओपन कर लेना है। अब गाइस, मैं अपनी फोटो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, अभी अभी जो हमने क्लिक किया है। फोटो इम्पोर्ट हो जाने के बाद आपको वो सारी सेटिंग्स मिल जाएगी जो कि इंस्टा 360 एंड GoPro जैसे बड़े बड़े कैमराज में होती है। यहाँ पे दोस्तों आप फोटोज में भी सेव कर सकते हो एंड वीडियो में भी सेव कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफी सारे इफेक्ट है। नो एनिमेशन के अंदर आपको फोटो देखने को मिल जाएगा एंड एनिमेशन के अंदर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो जैसे चाहो वैसे आप फोटोज को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर टॉप कॉर्नर पे राइट पे क्लिक करके आप उसे सेव कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एनिमेशन को सेव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें ज्यादातर वीडियो पसंद है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को सेव करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सारे एनिमेशन टूल्स दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज यार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज यार शेयर कर देना आपके सारे दोस्तों के साथ जो लोग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको इस वीडियो को सेव करके दिखा देता हूँ। तो राइट साइड टॉप पे राइट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी गैलरी में ये वीडियो सेव होके आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको 360 मोबाइल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हो, मैं वहाँ पे सभी को रिप्लाई देता रहता हूँ। एंड अगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कुछ नया जानने को या फिर सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। एंड अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे तो आप यहाँ पे क्लिक करके हमारी चैनल विजिट या फिर सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको हमारे चैनल पे मोबाइल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एडिटिंग ट्यूटोरियल के काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिल
मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।